तालीम और भी शकील रहमान की एडिशनल सेशन जज की जानिब से काबिले जमानत वारंट जारी करने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। सिंध हाई कोर्ट ने एडिशनल एंड सेशन जज की जानिब से काबिले जमानत वारंट जारी करने के खिलाफ जम ग्रुप और जियो टीवी के मीर शकील रहमान और मीर इब्राहिम की अपील की समाअत हुई है। मीर शकील रहमान और मीर इब्राहिम के वकील ने मौकिफ इख्तियार किया है कि एडिशनल एंड सेशन जज को काबिले जमानत वारंट जारी करने का इख्तियार नहीं, लिहाजा वारंट तलब करा दिया जाए और केस खत्म किया जाए। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है एडिशनल एंड सेशन जज को वारंट जारी करने और केस को चलाने का इख्तियार है। सीनियर तहकीकाती सहाफी असद खरल की दरख्वास्त पर एडिशनल एंड सेशन जज ने मीर इब्राहिम और मीर शकील रहमान के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। असद खरल ने एडिशनल एंड सेशन जज की अदालत में दायर दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया था कि मीर शकील और मीर इब्राहिम ने उनसे मुतालिक जंग और द न्यूज में गलत खबर शाया की और जियो में गलत खबरें चलाई। मीर इब्राहिम और मीर शकील रहमान ने एडिशनल एंड सेशन जज के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट ने एडिशनल एंड सेशन जज के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए जंग ग्रुप और जियो टीवी के मीर शकील इब्राहिम और मीर शकील रहमान की अपील को मुस्तरद कर दिया।